आपने देखा 2020 में हम आरक्षण तो नहीं ले पाए, लेकिन हमने बहुत कुछ किया। हमने चार चार विधायक बनाए अपने दम पर, बिहार में अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, और हमारे पास सरकार का चाबी था। चार ही विधायक था, लेकिन 74 विधायक से कम नहीं था, सरकार का चाबी था। हम जिसको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, ऐसी ताकत हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी के दम पर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। यूं कह दीजिए कि इस आजाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में एक निषाद मल्ला का बेटा ने एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी ताकत है साथियों। आज आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारा अधिकार है आरक्षण, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। आप ही बताइए, न्याय कीजिए। ये देश एक है, देश के संविधान एक है, देश को चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री एक है नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज आप जाइए बंगाल में, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति बिन बिंदा नुनिया मला को SC का आरक्षण मिला हुआ है। आप दिल्ली में चले जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आज आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन बिहार में नहीं मिला है, या उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है साथियों, या झारखंड में नहीं। ये कौन, इसका जवाब देंगे किसका, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वही है जो सत्ता में सरकार में दिल्ली में बैठे हुए, ये वो दोषी है। और दूसरा दोषी आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े साथियों। आज अगर काश हमारे समाज में भी 30-40 साल 50 साल पहले काश अगर मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता जन्म लेते, लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता जन्म होते, या बहन मायावती जी जैसी महिला हमारे समाज में जन्म लेती, या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नेता जन्म लेते, आज हमारा समाज का आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो आज इसका कितना लाभ होता। आज मैं यूपी बिहार झारखंड जाता हूं, 137 जिला है, लेकिन एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, SP होता, SDO होता, BDO होता, CO होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा अपने बच्चे के लिए, जिसका कारण आज आपके बच्चे मछली मारने के लिए मजबूर है। अभी 3 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर का महीना होगा, जनवरी का महीना होगा, ऐसे समय में लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उसी समय में आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलेगा, पानी में उतरेगा, फिर वह मछली मारेगा, फिर वह मछली बाजार में बेचेंगे, फिर उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए कितनी भरी तकलीफ के साथ आपके बच्चे जी रहे हैं, कितने तकलीफ के साथ जीना पड़ता है। अधिकार नहीं है क्या निषाद परिवार में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है? आज ऐसा लग रहा है कि आपके कुल में बच्चा जन्म लेता कोई गुनाह कर देता है। जन्म तो लेता है, लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। आज हमारे बच्चे को अधिकार नहीं है ठंड में अपने घर में रहने के लिए, लेकिन क्या करेगा, पेट है, घर परिवार है, उसके लिए तो उसको घर पे से निकलना पड़ेगा। आज और लोग देखिए कितने अच्छे से जिंदगी जी रहा, लेकिन आपके बच्चे कैसे जिंदगी जी रहा। इस धरती पर लोग मानव के तौर पे आए, मानव से अधिमानव, सॉरी अधिमानव से मानव बने, सब एक ही तरीके से आए। लेकिन आज देखिए समाज में कुछ जाति बहुत अमीर है। अगर ब्राह्मण देखिएगा तो 95% लोग अमीर है, सिर्फ 5% गरीब है। अगर वही निषाद को देखिएगा तो 95% गरीब है, 5% अमीर है। आप बताइए कैसे हुआ? क्योंकि उन लोगों ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाया, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, जिसके बदौलत आज वो अमीर है और आप गरीब है। आपको भी अमीर बन सकते हैं, सिर्फ उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैंने गरीबी से लड़ा, मैंने नसीब को बदला। हमारे राजा राम जी को देखिए, गरीबी से लड़ा, नसीब को बदला। तमाम ऐसे बहुत सारे लोग लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, अपने वो कामयाबी को हासिल किए। लेकिन 2-4 लोगों से नहीं होगा, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये समाज आगे बढ़ेगा। लोग हमें कहते हैं कि मुकेश सहनी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप एक जात की बात करते हैं। हम कहते हैं मैं एक जात की बात नहीं करता हूं,
ये निषाद समाज जो है ये मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये हमारा परिवार है और मैं अपने परिवार की बात करता हूँ। और परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है, ये मेरा हक अधिकार है। अगर परिवार की बात करना अगर कोई गुनाह है तो ऐसे गुनाह हजारों बार मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं परिवार की बात करूंगा। आज मैं घर से कहता हूँ कि मैं संघ पल्ला हूँ, तो इसलिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप संघर्ष कीजिएगा, लड़ाई लड़िएगा, तब आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा। अगर आप लड़ाई आज नहीं लड़िएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी नहीं जिएगा। जब आपका 200 रुपया में आपका वोट खरीद सकता है तो आपको मालिक राजा क्यों बनाएगा? क्यों उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का आपका निषाद का बेटा को मुख्यमंत्री बनाएगा जब आप कुछ ही पैसे में बिकते हैं? तो इसलिए साथियों आपको उनको बताना पड़ेगा कि अब निषाद का बेटा पहले वाला नहीं रहा, ये 2023 वाला निषाद का बेटा है जो अपने हक अधिकार के लिए अपना वोट नहीं बेचेगा। वो बताना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने संकल्प यात्रा लेके निकले हैं, जैसे हमारे दशरथ मांझी ने संकल्प लिया था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया था कि अंग्रेज को मार के भगाकर देश आजाद कर दिया था। उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी माता बहन है, नौजवान साथी है, जितने भी नेता है, सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि हर हाल में हम अपने पार्टी, अपने नेता, अपने समाज, अपने जात के साथ रहेंगे और किसी के साथ नहीं रहेंगे। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमें आरक्षण देगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमें आरक्षण नहीं देगा उसको हराने का काम करेंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। और जब संकल्प लेंगे तब वो डरेंगे, घबराएंगे। 2014 में आप सुने होंगे मोदी जी कहे थे कि ना हम आए ना हमें कोई भेजा, हमें स्वयं गंगा माता ने बुलाया। उसी तरीके से गंगा माता हमको भी सपना में आए, क्योंकि हम तो देश के मछुआरा जो है गंगा माता के हम लोग संतान हैं। और गंगा माता आए बोले उठो बेटा और तुम एक एक राज्य में, तीनों राज्य में जाओ और एक एक गांव में जाओ, एक एक निषाद परिवार के पास जाओ और सभी को संकल्प करवाओ हाथ में गंगा जल लेके और वीडियो बना के मोदी जी को भेज दो, देखो मोदी जी आरक्षण करेंगे। जब आप संकल्प लीजिएगा तब उनका एहसास होगा कि अब निषाद का बेटा गंगा माता का सौगंध खाया, संकल्प ले लिया है, अब निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं, अपने बच्चे के लिए हक अधिकार के लिए लड़ेगा। जब उनको यकीन होगा तब आपका आरक्षण देगा, उससे पहले आरक्षण नहीं देगा साथियों, उससे पहले आरक्षण नहीं देगा। इसलिए साथियों हम सभी को लड़ाई लड़ना है। आप देखे होंगे मोदी जी आए बेगर लड़ाई झगड़ा का, बेगर कुछ किए हुए सोन समाज को 10% आरक्षण दे दिए। EWS के नाम पे आर्थिक रूप से जो गरीब है उनको 10% आरक्षण दिए। और कल ही बिहार में जनगणना हुआ, वहां पे पता चला सिर्फ 10.5% अपर कास्ट है, ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, राजपूत, तमाम ऐसे भूमिहार सभी ऊपर जाति के जितने भी है वो सभी का मिला के 10.5% संख्या है। और 10.5% आरक्षण उनको मिल गया आर्थिक आधार पर, बेगर लड़ाई लड़े हुए। क्यों? क्योंकि मोदी जी की सरकार है, RSS का सरकार है, कल आपका भी सरकार होगा, आप न्याय ले लीजिएगा। आज आपका अधिकार है, बंगाल में आरक्षण है लेकिन बिहार में नहीं है, दिल्ली में आरक्षण है लेकिन आपका झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसके लिए साथियों लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद, जोश है आप में और माता बहन तो सब दोनों हाथ उठा के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर संकल्प लेने के लिए तैयार है तो सभी लोग वैक्सीन निकालिए। अरे गंगा जल वैक्सीन का नाम है, गंगा जल सब पवित्र कर दे। सभी माता बहन, नौजवान साथी, पार्टी के नेता, अगर निषाद का बेटा है, अगर निषाद परिवार के लिए लड़ना चाहते हैं तो अपने आप को संकल्प कीजिए, निकालिए हाथ में गंगा जल। सभी लोग निकालिए और ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए चूरू में, जैसे पंडित जी पूजा करने के टाइम में देते हैं ना, हाथ में कि मन शुद्ध करके संकल्प लीजिए और ये देखिए कैमरामैन भाई साहब है, ये वीडियो बनाएंगे
और ये वीडियो रात को मोदी जी के पास चला जाएंगे। अब मोदी जी देखेंगे कि आजमगढ़ के नेता निशाल का बेटा हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया है। अब पूरा देश के लोग देखेंगे, सभी माता बहन ले लीजिए हाथ में और हाथ को ऐसे उठाइए ताकि सबको लगे ना कि संकल्प ले रहे। हाथ को ऊपर कीजिए, बैठिए, बैठ के लीजिए, हाथ बैठ के हाथ को ऊपर कीजिए, चलिए लाइए। और जैसे जैसे हम संकल्प पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी पढ़िए। मैं प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप, कोयला वीर बाबा, काशी दास बाबा, वीर एकलव्य, अमर सही चुप्पा सैनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बड़े संख्या में माता बहन नौजवान साथी पार्टी के नेता सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर माता गंगा का सौगंध खाया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आप सभी ने सौगंध खाया है कि समाज के एकता के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे, एक एक घर पे जाएंगे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट का नारा देकर एक एक निषाद के बेटा को हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करवाएंगे। और एक वीडियो बना के डैक मोदी जी को ट्वीट कर दीजिए और मोदी जी को फेसबुक पे टैग कर दीजिए और उनको बताइए कि मोदी जी हम आपके साथ नहीं है, हम निषाद के बेटा के साथ है, अपने परिवार के साथ है। आप हमें आरक्षण दोगे तब हम आपका